हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेरी किचन। मैं हूं नेहा। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल उपमा। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए बनाने के लिए। मैंने लिया है यहाँ पे एक कटोरी रवा, एक टमाटर बारीक कटे हुए, छिछात करी लहसुन की बारीक कटी हुई, थोड़ी सी मूँगफली, आधा छोटी चम्मच उड़द दाल। मैंने यहाँ पे लिया है मिक्स वेजिटेबल, जिसमें मैंने लिया है यहाँ पे फ्रेंच बीन, गाजर और बंदा गोभी। आप चाहे यहाँ पे मटर, फूल गोभी या फिर जो भी आपको जो भी हरी सब्जी पसंद है आप उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक प्याज बारीक कटा हुआ और एक आलू बारीक कटी हुई। और मसालों में हमें चाहिए बनाने के लिए तेल, एक चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक। और हमें चाहिए यहाँ पे राई। आप चाहे तो यहाँ पे आप यहाँ पे जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ले लेंगे एक पैन। सबसे पहले हमें रोस्ट करना है रवा, तो हम डाल देते हैं इसमें ये रवा और इसे हम चलाते हुए 2 मिनट तक के लिए रोस्ट कर लेंगे। हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हम इसे बर्न नहीं करना है, बस इसे हमें रोस्ट करना है, तो हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो रवा हमारा रोस्ट हो चुका है, हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने वापस से वही पैन ले लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डाला है यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, डाल देंगे इसमें हम ये राई और इसे हम क्रैकर होने देते हैं। तो राई क्रैकल हुई, हम डाल देंगे इसमें ये उड़द दाल और ये मूँगफली और इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अभी ये फ्राई हो गया है, हम डाल देंगे इसमें प्याज और प्याज को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब डाल देंगे इसमें हम ये आलू और कटा हुआ वेजिटेबल और इसे भी हम फ्राई करेंगे। तो इसे हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब डाल देंगे इसमें हम ये टमाटर, साथ में डाल देंगे इसमें हम नमक, हल्दी पाउडर, लहसुन। मैं यहाँ पे लहसुन बाद में डाली क्योंकि मुझे लहसुन का कच्चापन थोड़ा पसंद है, इसीलिए आप चाहे तो जिसमें आप राई डाल रहे हैं उस समय आप डाल सकती हैं लहसुन को भी। डाल देंगे यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये फ्राई हो चुका है, अब डाल देंगे इसमें हम पानी। जिस कप से हमने मेजर किया था रवा को उसके हम 3 गुना पानी डालेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी और गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसे हम ढककर पकाएंगे। इसमें हमें एक उबाल लाना है, तो हम ये प्लेट उठाते हैं, देखते पानी भी कितने से उबल रहा है। हम डाल देंगे इस समय इसमें ये गरम मसाला और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हम गैस का फ्लेम अभी लो कर देते हैं और इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके रवा और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। हम इसमें एक बार रवा नहीं डालेंगे, नहीं तो उसमें लम्स बन जाएगा, तो उसे हम मिक्स करते हैं। तो बाकी का बचा हुआ भी रवा हम मिक्स कर देते हैं। हमें इसमें लगातार मिक्स करते हुए रवा को मिक्स करना है इसमें। तो मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर दिया है, देखते हैं पानी भी इसमें एब्जॉर्ब कर लिया है, तो हम पानी को सूखने तक इसे पका लेंगे। डाल देंगे इस पे हम ये धनिया पत्ती और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तैयार है हमारा वेजिटेबल उपमा। आप भी मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और तैयार है हमारा वेजिटेबल उपमा।